हर खोज की शुरुआत पुरानी धारणाओं को छोड़ने से होती है। ये है श्री भगवान का आज का चिंतन और अब एरोड तमिलनाडु के जी जगदीशन का चमत्कार। मेरी वर्तमान सुंदर स्थिति शक्तिशाली 74,000 दीक्षा यज्ञों के माध्यम से प्रदान की गई श्री परम ज्योति का एक दिव्य आशीर्वाद है। एकत्व में मेरी यात्रा 2016 में शुरू हुई थी, तब से हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हवन और 74,000 दीक्षा यज्ञ सहित एकत्व में आयोजित विभिन्न प्रक्रियाओं और अनुष्ठानों में नियमित रूप से भाग लेने के परिणाम स्वरूप मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे भौतिक और दैविक चमत्कारों का अनुभव किया है। श्री परम ज्योति द्वारा की गई रहस्यमय सर्जरी के कारण मेरे आध्यात्मिक विकास में बहुत वृद्धि हुई है। जीवन की कायापलट हो गई है, खासकर 74,000 दीक्षा यज्ञ में भाग लेने के बाद। मन खामोश है और विचारों के बीच का अंतराल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मन की बकबक अब नहीं है, कहानियां नहीं हैं और यहां तक कि अतीत का कोई जिक्र भी नहीं है। अतीत में मिली चोट या विमुखता का आभास नहीं है, केवल एक सक्रिय कार्यात्मक स्मृति ही कार्यशील है। न अतीत है न ही भविष्य है, केवल वर्तमान है। मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें केवल उस कार्य का पूर्ण अनुभव होता है। काम सहज, आरामदायक और स्वचालित है, सब कुछ स्वचालित है। जन्मजात या अनुवांशिक भय जो बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी उपस्थिति को बेतरतीब ढंग से पालता रहा, अब लगभग निष्क्रिय हो गया है। इधर उधर कभी होने वाली समस्याओं को छोड़कर मैं काफी अच्छा और स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। जहां तक रिश्तों का सवाल है, मैं सभी के साथ एक महसूस करता हूं। मेरे आसपास जो कुछ भी था वह अब मेरा हिस्सा बन गया है। इन सभी वर्षों में मैंने अपनी पत्नी पर जो अत्याचार और निषेध लगाए थे वे अचानक गायब हो गए हैं। जीवन जो अब तक नीरस और सुस्त लग रहा था, अब मैं विस्मित हूं कि वह तेज और सुकून देने वाला हो गया है। लोग मुझे अधिक से अधिक पसंद करने लगे हैं और सब कुछ सही ढंग से होना शुरू हो गया है। इस भूतल में ही हरेक पल को अनुभव करता हुआ स्वर्ग जैसा आनंद उठा रहा हूं। तृप्ति की गहरी भावना के साथ मैं हमारे कुलदेव श्री परम ज्योति का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद श्री परम ज्योति।